हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता ठाकुर आज आप लोग को मूंग दाल की बड़ी बताने जा रही हूँ कैसे बनती है। आइए देखिए, ये मैंने मूंग दाल रात में ही भिंगो दिया था और ये फूल चुका है पानी में अच्छी तरह से। अब मैं इसे धोकर रख ली हूँ, तो ये मूंग दाल फुला हुआ है। और ये मैं जीरा ले ली हूँ और हींग है ये, तो इन्हीं तीनों चीज़ से मैं मूंग दाल की बड़ी बनाऊंगी। मूंग दाल की बड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, सब्जी इसका बनता है। ये मैं मूंग दाल को अभी मिक्सी में इसको पीसूंगी, ये ज़्यादा पानी करके गीला नहीं पीसूंगी, थोड़ा थोड़ा ही हल्का पानी डाल करके कढ़ाई इसे पीसूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मूंग दाल वाली पिठी मैं देखिए तैयार कर ली हूँ, इसे मिक्सी में पीस करके ये अच्छी तरह से देखिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, देखिए कैसा है। ये बैटर में तैयार कर ली। अब मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ और ये हींग, इसे भी मैं डाल दी और सारा जीरा हींग को मैं मिला दे रही हूँ। देखिए इसको अच्छी तरह से इसमें फेंट दे रही हूँ। ये मिल गया है। अब मैं इसे धूप में प्लास्टिक पे इसको छोटा छोटा बड़ी के आकार में पार दूंगी, बना लूंगी बड़ी जैसा छोटा छोटा, उसे मैं आपको दिखाऊंगी। ये धूप में इसको मैं सबको मिला दी, जीरा उरा इसको धूप में मैं बनाऊंगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसे बनाती हूँ। ये मैं एक प्लास्टिक बालकोनी में या छत पे ये मैं एक प्लास्टिक बिछा ली हूँ, देखिए बालकोनी में या छत पे जहाँ पे आपको धूप आता हो वहाँ आप बिछा लीजिए इसको। और मैं इस पर बड़ी पारूंगी और सारा दिन धूप में छोड़ दूंगी। देखिए मैं बड़ी कैसे पार रही हूँ, देखिए आप गोल गोल इस तरह से बड़ी को। थोड़ा दूरी पे सटा के नहीं पारना है, इस तरह से गोल गोल मैं पार रही हूँ। सारे बड़ी को इस तरह से पार लेना है और सारा दिन धूप में इसको कड़ी धूप में छोड़ देना है, ताकि ये बड़ी अच्छी तरह से धूप में सूख जाए और शाम में ये सूख जाएगा। उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी कि सूख करके कैसा हुआ है। प्लास्टिक अच्छा से धूप में इसको प्लास्टिक के कोने पे कोई भारी चीज़ से दाब दीजिएगा, नहीं तो ये हवा हवा के कारण उड़ भी सकता है। तो ये बड़ी जब शाम में सूख जाएगा तो मैं इसे दिखाऊंगी आप लोग को। ये मेरा बड़ी देखिए सूख के रेडी हो गया है। ये शाम तक धूप में मैं छोड़ दी थी इसे, देखिए अब ऐसे ऐसे मैं सारे बड़ी को उखाड़ लेती हूँ। देखिए देखिए सारा बड़ी इस तरह से प्लास्टिक से उखड़ जाएगा। इस सारे बड़ी को उखाड़ लेना है और उखाड़ करके फिर अगले दिन इसको मैं धूप में सुखा लूंगी, फिर से धूप इसमें लग जाएगा तो ये खाने लायक सब्जी बनाने लायक तैयार हो जाएगा। देखिए सारे बड़ी को मैं इस तरह से प्लास्टिक से देखिए सारा निकल जा रहा है क्योंकि ये सूख चुका है। अब ये इसको मैं अच्छी तरह से फिर कल धूप में एक बार और सुखा दूंगी ये, और फिर इसको रख दूंगी। ये मेरा बड़ी देखिए बन के अच्छी तरह से तैयार हो गया है, सूख गया धूप में, मैं इसको सुखा ली हूँ। ये सारा दिन धूप में सूखा है और ये तैयार हो गया इस सब्जी के लिए, मूंग वाली बड़ी। इसको आप आलू के साथ सब्जी में या फिर अकेले भी बना सकते हो। ये जब हरी सब्जी नहीं रहता है तब इसका यूज करो आप, बहुत ही स्वादिष्ट इसका सब्जी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है इसका सब्जी। और ये मूंग वाली है इसलिए पचने में भी सही रहता है, सुपाच्य होता है। इसलिए आप लोग को अगर पसंद मेरा वीडियो आया हो बड़ी वाली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल भी बजाइए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। बाय फ्रेंड्स।